हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। आज की न्यू वीडियो में आपका खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आए हैं मैग्नीफाइंग साइंस सेंटर, और यहाँ पर 3 फ्लोर हैं, और साइंस के हवाले से यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज जो ईजाद हो रही हैं उनके हवाले से रखी हैं। तो हम अंदर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मैग्नीफाइंग साइंस सेंटर को, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग वीडियो। तो मैग्नीफाइंग साइंस सेंटर में बाहर भी डिफरेंट एक्टिविटीज मौजूद हैं। एक कंप्लीट प्ले एरिया बना हुआ है और डिफरेंट ट्री हाउसेज हैं, और ये एक फॉरेस्ट टाइप का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। हर ट्री और हर प्लांट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये बड़ी ही एक पीसफुल जगह यहाँ पे बनाई गई है, ये देखें। मैं अभी ही ग्राउंड फ्लोर पर हूं, और यहां पर ये जो मैग्नीफाइंग साइंस सेंटर है बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जगह सिर्फ बच्चों के लिए है, नहीं, ये बड़ों के लिए भी है। बड़े भी आकर यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं मैग्नीफाइंग साइंस सेंटर। और ये बोर्ड लगा हुआ है, ये देखें, ये प्रोटोटाइप्स, काफ़ी ज़बरदस्त जगह बनाई गई है। ये देखें, ये डिटेल्स दी गई हैं, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, सारे कैटेगरी वाइज लिखा गया है यहाँ पर। यहाँ पर ये ट्रक भी रखा गया है, और ट्रक में बैठकर आप ट्रक की फीलिंग ले सकते हैं, ट्रक की ड्राइव की फीलिंग ले सकते हैं। तो एक ट्रक का प्रोटोटाइप रखा गया है, ये रिक्शा का प्रोटोटाइप भी रखा गया है। आप रिक्शा की ड्राइव को भी एंजॉय करें, रिक्शा राइडिंग जिस तरह होती है, हम तो पीछे बैठे होते हैं, यहाँ पर हम ड्राइवर सीट पे बैठ सकते हैं। ये म्यूजियम इतना बड़ा है, साइंस सेंटर, इसके 3 फ्लोर हैं, और एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, हर चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने दिखाई है। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये एक एम्बुलेंस का प्रोटोटाइप बनाया गया है, पीछे हॉस्पिटल का एक एनवायरनमेंट इन्होंने रेडी किया है। ये देखें, बच्चे एंजॉय करते हुए एम्बुलेंस में, और ये देखें, ये एक बॉडी रखी गई है जिसमें ये किडनी, अगर किडनी में स्टोन हो जाए, स्टोन निकालने के लिए ये एक बच्चों के लिए प्रोटोटाइप बनाया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। ये यहाँ पर देखें, दीवार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज लिखी गई हैं, मल्टीपल टाइप्स का डिजीज़ हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं डिजीज़ की। यहाँ पर साइकिल चलाते आपका स्केल्टन भी नज़र आ रहा है, और स्पीड भी आएगी कितनी स्पीड से आप साइकिल चला रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत ही क्रिएटिव और यूनिक ये मैग्नीफाइंग साइंस सेंटर बनाया गया है, और यहाँ पर बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट टाइम और न्यूली एक्सप्लोर करने को मिलेंगी यहाँ पर। ये देखें, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर बात करते हैं यहाँ के एंट्री टिकट की, तो नॉर्मल डेज में यहाँ की टिकट 800 की है, और वीकेंड पर यहाँ की टिकट 900 की है, हर एज ग्रुप के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट का प्रोटोटाइप दिखाया गया है यहाँ पर, ये देखें। और ये DNA स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पर। आ,
हार्ट पजल, हार्ट के डिफरेंट पजल्स रखे गए हैं यहाँ पर। और ये देखें बोन आर्किटेक्चर भी है, ये देखें, ये देख सकते हैं आप। और साउंड के हवाले से भी है, ये साउंड टेस्टिंग हो रही है, पाइप रखे गए हैं साउंड, डिफरेंट साउंड्स को बजाने के लिए। ये मिरर मेस, एक ही मिरर में तीन तीन शक्लें। यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी गई हैं और साइंस सेंटर को बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरेज यहाँ पर दिखाए गए हैं, इक्विलिब्रम और ये न्यूटन्स क्रेडल, ये न्यूटन्स की क्रेडल्स हैं। और ये लाइट्स, लाइट का कोई सिस्टम दिखाया गया है, ये देखें लाइटिंग हो गई। और इल्यूशन ऑफ लाइट, मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ साइंस, ये मैथमेटिक्स सेक्शन है। और यहाँ पर मैथमेटिक्स को ये देखें, कैबिनेट्स ऑफ शेप्स, शेप्स को कैबिनेट्स में रखा गया है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स इन कैबिनेट्स में मौजूद है। ये एक, ये भी मैथ्स के वाले से एक कोई एक्टिविटी दिखाई गई, ये देखिए। ये हम अभी द मैग्नीफाइंग साइंस सेंटर के सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये देखें, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं किड्स और बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। ये मैथ्स का एक बनाया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बचपन में हमने देखा था, सर्किट्स के हवाले में पढ़ा हुई था, ये इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ये लाइट्स की, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स की इन्होंने जो है बनाए गए हैं प्रोटोटाइप्स, ये देखें लाइट्स को किस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके नज़रिए से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट की रिफ्लेक्शन दिखाई गई है, किस तरह से रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट्स के हवाले से, ये देखें। ये एक लाइट टेबल बनाया गया है जिसमें प्रिज्म रखा गया है और लाइट को किस तरह से रिप्रेजेंट और ये देखें दिखाया गया काफ़ी अच्छी तरह। यहाँ पर एक सेक्शन डिजिटल सिग्नल्स के हवाले से भी लगाया गया है, ये डिजिटल सिग्नल्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है साइंस में वो भी दिखाया गया है। द डाउन साइड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, ये पूरा एक बताया गया है यहाँ पर, ये डिजिटल सिग्नल्स के बारे में भी यहाँ पर पूरा बताया गया है। ये देखें ये घर हैं, ये प्रोटोटाइप बनाया गया है और ये यहाँ पर टावर लगाए गए हैं डिजिटल सिग्नल्स के हवाले से। इस दीवार पर ट्रांसमिशन के हवाले से बताया गया है, टीवी चैनल्स की ट्रांसमिशन और क्या क्या वहाँ पर कंटेंट आता है इस पूरी दीवार पर दिखाया गया है इस हवाले से। डिसअपॉइंटेड क्रिकेट फैन और ये तस्वीर भी लगाई और पोस्ट बॉक्स भी बनाया हुआ है, ये देखें। ये हम आज आए हुए हैं द मैग्नीफाइंग साइंस म्यूजियम में और यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और साइंस के हवाले से हमें बताई गई हैं और बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, लर्निंग के लिए, लर्निंग के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ मैग्नीफाइंग साइंस म्यूजियम। तो गाइस आज हमने आपको दिखाया द मैग्नीफाइंग साइंस सेंटर और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें साइंस के हवाले से इन्होंने लगाई हैं
और काफ़ी न्यू डिस्कवरी, न्यू टेक्नोलॉजी और हर तरह की साइंस की चीज़ें और जो एक्सप्लोरिंग है साइंस की आपको यहाँ पर मिलेगी। आप लोग भी ज़रूर आए, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।